हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है रोहन और मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनाने वाला हूं जो एजुकेशनल वीडियो से रिलेटेड है। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही एक लाइक करें। दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोग मेरी बात जरूर सुनोगे और मुझे सपोर्ट करोगे, मेरी हेल्प करोगे और दोस्तों बेल आइकन पर भी प्रेस जरूर करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। और दोस्तों मैं बहुत सारे एग्जाम से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा, सॉल्यूशन भी दूंगा साथ में। तो दोस्तों रीजनिंग हो गए, मैथ्स हो गए, फिजिक्स हो गए, साइंस हो गए, यानी जो भी टॉपिक मुझे मिलेगी मैं आप लोगों के सामने जरूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों आज का टॉपिक है मेरा जो है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए ये ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ही क्यों आता है इक्वल्स टू वाई, यानी वाई होल स्क्वायर ए प्लस बी इक्वल्स टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ही वाई क्यों आता है। दोस्तों इसका जो आंसर है आप मुझे दो, मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करो ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों के पास भी नॉलेज है। दोस्तों शायद आप लोग जानते होंगे, आप लोग इंटेलिजेंट हो, आजकल के स्टूडेंट काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ही क्यों आता है। आप मुझे इसको एक्सप्लेन करके दिखाओ कि वाई ये ही क्यों आता है और कैसे आता है। तो दोस्तों मैं अपना सॉल्यूशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। दोस्तों एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। इसका सॉल्यूशन है जैसे कि वी सपोज दैट हम लोग मानते हैं कि एक स्क्वायर लेते हैं। अब आप लोग पूछोगे स्क्वायर ही क्यों लेंगे, रेक्टेंगल ही क्यों लेंगे, चाहे डायगोनल ही क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर के बारे में जो डिस्कस हो रही है दोस्तों, इसलिए मुझे स्क्वायर ही लेना पड़ेगा कि ए प्लस बी का और स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर क्यों आता है, इसलिए मुझे स्क्वायर ही लेना पड़ेगा। अब दोस्तों ये स्क्वायर है और हमारा जो जो वैल्यू है वेरिएबल वो ए है और एंड बी है, ये दोनों हमारा जो वेरिएबल है ए और बी, इसी पर क्वेश्चंस हैं और सॉल्यूशन भी इसी के आधारित होंगे। तो दोस्तों ए भी हमारे वेरिएबल हैं और दोनों डिफरेंट वेरिएबल है तो इसके वैल्यू जो आएंगे वो भी अलग अलग होंगे। ये देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक छोटा लेता हूँ एक बड़ा लेता हूँ, इसको ए मानता हूँ इसको बी मानता हूँ। अब आप बोलोगे कि ये जो बड़े वाले हैं आप इसको बी क्यों माने और ये छोटे वाले को ए क्यों माने। तो दोस्तों मैंने आपको इससे पहले बताया था कि ए और बी जो है दोनों डिफरेंट वेरिएबल है तो इसके वैल्यू भी अलग अलग ही आएंगे, दोनों डिफरेंट वैल्यू होंगे, इसलिए मैंने तो इसके दोनों में से जो वैल्यू होंगे दोनों का एक या तो छोटा होगा एक या तो बड़ा होगा, इसलिए मैंने ए को छोटा मान लिया है और बी को बड़ा मान लिया है। अब दोस्तों यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसी तरह सेम यहाँ भी लेंगे दोस्तों। ये देखिए उसी तरह जैसे ए को छोटा माना था तो यहाँ भी ए छोटा हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये हो गया हमारा स्क्वायर और ये हो गया रेक्टेंगल और ये भी हमारा हो गया रेक्टेंगल, ये भी हो गया रेक्टेंगल। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर, इसी पर सॉल्यूशन आधारित हैं दोस्तों। ये देखिए अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए वीडियो को,
देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो साइड है वो ए ए है, तो इसका ए का स्क्वायर तो ए ही हो जाएगा। ए हमारा साइड है दोस्तों, ये देखिए ए साइड में है, ये इस स्क्वायर का साइड को क्या है? ए है ना साइड, यहाँ भी ए है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, तो साइड ए है तो ए का स्क्वायर। ये देखिए दोस्तों, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये है हमारा रेक्टेंगल, आपको मैंने इससे पहले बताया था ये हमारा रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आर ई सी टी ए एन जी एल ई, एल इंटू बी, ये दोस्तों आपने सुना ही होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो इसकी लंबाई क्या है दोस्तों? बी। लंबाई ये हुई और चौड़ाई ये हुई, आप लोगों को पता ही है, चौड़ाई ए हो गया और लंबाई बी हो गया, तो बी गुना ए। उसी तरह दोस्तों यहाँ भी यही है, यहाँ भी सेम रेक्टेंगल है, यहाँ भी रेक्टेंगल है, ये देखिए दोस्तों यहाँ भी रेक्टेंगल है और यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है। तो दोस्तों इस रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल का वैल्यू तो सेम ही होगा, इस रेक्टेंगल का जो जो लंबाई है वो बी हो गया टोटल का लंबाई, और ये जो चौड़ाई है ये ए हो गया, तो इसका भी निकाल लिए तो वही हो गया सेम। तो सेम चीज़ यहाँ उसका भी निकालेंगे तो दोस्तों वही हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सेम चीज़ दिस देयर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हेयर, सेम चीज़ यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर। अब इसका निकाल रहे हैं हम लोग एल इंटू बी, इसका भी वही हो जाएगा बी इंटू ए, यानी ए बी, यानी ए बी हो जाएगा, यहाँ भी ए बी कीजिए दोस्तों, तो हमारा कितना हो गया ए बी प्लस ए बी, यानी दोनों रेक्टेंगल का एरिया हम निकालेंगे, एक इसका एक इसका, तो टू ए बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इधर हमारा निकला था ए स्क्वायर, इधर टू ए बी। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ लिखते हैं, अब इसका स्क्वायर का एरिया निकालेंगे दोस्तों, यानी कोई भी छूटना नहीं चाहिए, यानी इस स्क्वायर में पूरा जो है सबका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। सबका सॉल्यूशन करने के बाद आप देखिए दोस्तों, सबका अब इसका निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इसका साइड क्या है? तो साइड स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, इसका साइड है बी, तो बी का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, सिंपली इसका सॉल्यूशन आ गया है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आया मेरा, पूरे प्रूफ करने के बाद ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोस्तों प्रूफ हो गया, पी आर डब्ल्यू बी डी प्रूफ्ड। ये प्रूफ कैसे हो गया? इसका एरिया का स्क्वायर, इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका एरिया स्क्वायर, इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सब मिला के, यानी कोई सा भी नहीं छोड़े हम लोग, इस स्क्वायर के फिगर पर आधारित ही हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर के जो इक्वल होता है ये होता है, हम लोगों ने आज एक्सप्लेन कर दिया है दोस्तों। ये देखिए प्रूफ हो गया यहाँ पर। तो दोस्तों अगर ये जो वेरिफिकेशंस हैं, ये जो एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं, ये बहुत से एग्ज़ाम्स में आते हैं, बी एस सी बी के, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, सी बी एस सी के एग्ज़ाम्स में आपको क्वेश्चन दे देंगे इसी तरह कि वाई होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, वाई एक्सप्लेन दैट, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको इसी तरह से फिगर बनाना है स्क्वायर का, और साइड में ए बी ही मानना है, क्योंकि ए बी ही हमारा वेरिएबल है और दोनों का वैल्यू भी डिफरेंट होगा, इसमें से आप किसी को भी छोटा मान सकते हैं चाहे बी चाहे ए को, और किसी को भी बड़ा मान सकते हैं। इसी तरह फिगर बना के आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, फिर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, फिर इसका स्क्वायर निकालना, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ए बी टू ए बी, ए बी प्लस ए बी टू ए बी, तो हमारा हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर।
तो चलिए दोस्तों, ऐसा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। तो दोस्तों हम पर भी कृपा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही एक लाइक करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आज का टॉपिक ख़त्म होता है, अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार करें।